सबसे पहले हमारे इतने भाई बहन हैं, मैं नमस्ते करता हूँ। आज मैं भाई बहन में आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, जो खेत के देखिए, सब आलू उलू बो गए हैं, गेहूँ बो दे, सरसों वरसों सब हो रहे हैं। गांव में सरसों बोलते हैं, शहर में पियरा बोलते हैं। मैं जम्बू का निरोग बजरंग भाई। भाई बहनों, ठंडी बहुत हो गई है, आप लोग थोड़ा बच के रहना ठंडी से, काम बूत आराम से करना, जो भी करना। देखिए भाई, सब ये सब आलू खेती है, कितना अच्छा खेती हो रहा है आलू का मेरे गांव में। सब कहते हैं गांव में बहुत अच्छा है, सही सच्चे में गांव बहुत अच्छा अच्छा देखने में मिलता है, बाग बगीचे और हर चीज़ मेरे गांव में होता है, मटर सरसों आलू मूली मक्का गन्ना चना गेहूं और हर चीज़ होता है यहाँ। ऊख का शहर में केला पपीता शकरकंद गंजी सब होता है मेरे गांव। भाई बहन, आज मैं सब सीन दिखा रहा, मेरे गांव धूप नहीं हो रहा है, ठंडी बहुत तेज़ है। आप लोग प्यार से खाना खाना और आराम से ठंड बिताना, अच्छे से कारोबार करना, ज़्यादा ठंड में मत घूमना, ये ठंड बचा के रखना। आप लोग कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, अपना जर्सी पहन लेना, जाकेट वकिट, ताकि आपको कोई ठंडी न लगे। और हमारे प्यारे प्यारे हमारे जितने भाई बहने हैं, जम्बू का निरोग बजरंग भाई के नाम से चैनल बना हुआ है, आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे हमारा जो हम लोग बनाते हैं। आप लोग ऐसी बात से हम लोग निखारते हैं वीडियो बनाने, ताकि अच्छा वीडियो हम लोग बनाएं। हमारे जितने प्यारे प्यारे भाई और बहने हैं, पूरा संसार में पूरा वीडियो हमारा देखेंगे। और आप लोग सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट सब कुछ आप लोग कर देना, ताकि मैं और अच्छा अच्छा वीडियो आप लोग के पास पहुँचाऊँ बनाऊँ। जो नए लोग हों, ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर वीडियो आप मोबाइल पहुँचे। भाई बहन, हमारे ओम साई चंद्र भाई आ गए हैं, जो बाबा ठाकुर से बजरंगी भाई टक्कर हुआ था, वो फिल्म अभी थोड़ा बाकी था, अब आ गए हैं पूना से, अभी आज ही आए हैं, आज आ गए हैं। अब कल परसों देखो शूट करके जो बाकी है, मैं आपके पास पहुँचाऊँगा मोबाइल। भाई बहनों, आपकी बार आपने इतना लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट लिखना भाई बहनों, ताकि हम लोग और खुश रहें कि हमारे भाई कमेंट आ रहा है और हर चीज़ आ रहा है। आप लोग आपका आशीर्वाद बहुत मिलता है भाई बहनों, मैं आप ही के आशीर्वाद से हम लोग बनाने चलते हैं वीडियो। देखिए हमारे गांव के बगीचा है, हाँ छोटे बड़े छोटे हर बगीचे हैं यहाँ पे है। ये देखिए, ये बगल में नदी है हमारे, जो जौनपुर जिले की नदी है, ये सीधा जाके बनारस साइड में चली गई है, बहुत भारी नदी है। नदी में निरहु मच्छी मारने जाता है, वही नदी है, बहुत लंबा चौड़ा है। ये दिख रहा है आपको ना पूरा आगे है, इसके बाद नदी नदी सब दिखाई दे रहा है भाई बहन। सबको आपको सीन दिखा रहा हूँ। ये देखिए भाई बहन, ये हमारे गांव में बांस है, कोठ, बांस कोठ जिसे बोलते हैं, ये हमारे गांव बांस कोठ बोलते हैं। हमारे गांव में जो छान छप्पड़ होता है, मड़हिया होता है, घर दुआ इससे बनता है। हाँ देखिए भाई बहनों, हमारे गांव में ये सब खेती होगा, कहीं धूप नहीं दिखाई दे रहा भाई बहन। देखिए मैं हर तरफ कैमरा घुमा रहा हूँ, कहीं भी आपको धूप नज़र नहीं आ रहा है भाई बहनों। बस आप लोग प्यारे प्यारे हमारे भाई बहन जितने हमारे वीडियो देखते हैं, सब लोग अपना अपना ठंडी बचा कर रखना भाई बहनों। और आप लोग अच्छे से खाना पीना खाना, जाके ज़रूर पहनना, दस्ताना लगाना, हर चीज़ आप कहीं भी आओ जाओ, अच्छे से अपना हर काम पूरा करना, ठंडी बचा कर रखना भाई बहनों। बस फिलहाल अभी चल रहा है दिसंबर, और जनवरी तक ठंडी बहुत तेज़ है, लास्ट जनवरी से थोड़ा कमतर आएगी ठंडी। देखिए भाई बहन, मेरा नदी दिख रहा है, नदी पानी पानी से दिख रहा है, हर चीज़ दिख रहा है। आप लोग गांव का सीन दिखा रहा हूँ, हर सीन यहाँ आपको दिखाई दे रहा है भाई बहन, बहुत प्यारा प्यारा सीन लगता है। देखिए चिड़िया बोल रही हैं, जो चिड़िया होती हैं गांव में, बहुत प्यारी प्यारी, देखिए पेड़ पर बैठी है, एक पेड़ बैठी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पेड़ बैठ रही बोल रही, बहुत प्यारा प्यारा आवाज़ है ना। ये सब सरसों है, सहारन पियरा बोलते हैं, सब बुआई हो गई, सिंचाई हो रहा है, सब चीज़ में आपको दिखाई दे रहा है गांव में। गांव भाई मैंने बहुत आनंद है, शहर शहर है, गांव गांव है। आप लोग को हर सीन दिखा रहा हूँ, मैं नदी भी दिखाने जा रहा हूँ आप लोग। देखिए भाई बहन, मैं नदी का सीन दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये जौनपुर जिले की नदी आ गई है, ये जम्पू का निरहु बजरंग भाई मैं हूँ, मैं अपना गांव के नदी का सीन दिखा रहा हूँ सभी भाई बहनों के। ये पूरा जंगल भी है, पेड़ पौधे हर चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों को।
अब आगे चल के दिखा रहा हूँ आप सबको कितना प्यारा प्यारा सीन गांव में है। और सामने हमारे भाई साहब एक मच्छी भी मार रहे हैं। हाँ बड़े भैया, आप मच्छी पाते हो? कहो मिले ना, ना मिले। अच्छा, यानी मिल गया थी ला कहा। हाँ, हम मैं आप सबके लिए बहुत मेहनत करता हूँ कि हमारे भाई बहनें देखें हमारा सीन, हमारे गांव का सीन देखें और हमारे हर सीन देखेंगे। हाँ अब देख रहे हैं बारिश आ रही, फिर भी मैं कैमरा चला रहा हूँ। देखिए भाई बहन, थोड़ा मैं बाहर आ गया हूँ, थोड़ा खेत है, ये खेत में देखिए पेड़ है और सरसों, देखिए ये सरसों, मेरे गांव में सरसों वरसों हो गई है, गेहूँ सब बो दिए हैं, गेहूँ बुवाई हो गई है, पूरा सरसों देखिए तैयारी हो रही है हमारे गाँव में, ये सरसों हो रहा है, सरसों गाँव शहर में पिंजरा बोलते हैं, सरसों सीन सरसों तैयार है, हर चीज सीन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ भाई बहने एक भी घाम नहीं है, ज़रा धूप नहीं हो रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा है भाई बहने, फिर भी मैं आप सब मेहनत करता हूँ। देखो नदी बगल में है, नदी पूरा दिखाई दे रहा है, मैं और नदी चल बस भाई बहने, मैं देखिए मैं यार थोड़ा ये सीन दिखा रहा हूँ, जो नदी है एक तालाब है बगल में, तालाब सूखे पड़ रहे हैं और देखिए धान कट गए हैं, इसमें पानी आ गया था, बारिश हुआ, नहर का पानी दे दिया था, पीली जो नदी है बाढ़ आई थी, थोड़ा पानी आ गया था, गेहूं नहीं इसमें बोया गया है। और भाई बहनों मैं आप सबको दिखा रहा, और भाई बहनों मैं आप सबको कहता हूँ, आप सब जितना मोबाइल घर में है ज़रूर जम्पू का निरहु पर जाएंगे भाई बोल के सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट में लिख देना, ताकि हम लोग और अच्छा अच्छा वीडियो आप सब मोबाइल पहुँचे, जो जो सब्सक्राइब कर देते हैं हर वीडियो आप मोबाइल पहुँचता रहेगा भाई बहन। यहाँ मैं एक बार शूट किया था वीडियो, काफ़ी दिन हो गया था, एक गाना मैंने बनाया था वीडियो का, और आप लोग के छोटा छोटा नदी दिखाऊंगा, एक नदी छोटा छोटा है और एक नदी और आपको दिखाता हूँ। हाँ भाई बहन देखिए मैं एक नदी दिखा रहा हूँ, जौनपुर जिले की नदी जो है एक इधर से एक उधर से गई है। हाँ और आगे चौड़ा है, यहाँ थोड़ा पतला हो गया है और बहुत गहरा है भाई बहनों, तो इसमें मच्छी भी बहुत बड़ी बड़ी है और हर व्यक्ति लोग मारते हैं, ठंड है इसलिए कम दिखाई, देखो एक व्यक्ति मार रहा था। हाँ तो ऐसे सब बहुत हैं और हम लोग सोचते हैं कि आप सब कितना प्यार दूँ, हर गरीब सेवा करूँ, हर जनता का प्यार दूँ, उस लायक हो जाऊँगा। तो हमारे गाँव में भाई बहन बहुत दलाल हैं, बहुत खब्बू हैं, बहुत लुटेरे हैं, एक एक लोग हैं, इंसान समझते नहीं है, पैसे आता रहेगा तो इंसान भूल जाते हैं, गरीब आदमी के भूल ही जाते हैं। अरे अच्छा कमाओ, हर चीज़ करो, हर गरीब पे दो लो। हाँ लेकिन हमारे गांव में बहुत दलाली हो रहा है, मेरा पैसे हड़पा है ललित तिवारी गैंगस्टर मैनेजर उमर संघ सतबीर ने और केस नदिका गया है, हर एक सबूत रखा हूँ और हर एक चीज़ भाई बहनों, और इसी में मेरा आवास भी नहीं मिल पाया था और उसका भी हर फाइल लगा दिया हूँ, चार चार आवास मिला है, गुरुवार दुद्दू मिला है, छः छः सात सात घर, एक एक घर में छः छः सात सात आवास घर गुरुवार मिला है भाई बहनों। हमारे गांव में इतना, हमारे गांव में बहुत ज़्यादा ख़राब काम हो रहा है, इसलिए सोचता हूँ कि कोई भी काम हो अच्छा काम हो, लेकिन हमारे गाँव में सब खब्बू हैं ज़्यादा, तो हम भाई बहनों का आशीर्वाद से मेरा जो लोन का केस चल रहा है और आवास फाइनल होने वाला है, आप सब आशीर्वाद से, और ये कहूँगा कि इसलिए भाई बहनों मैं बहुत मुसीबत उठाया हूँ, हर एक मुसीबत उठाता हूँ, फरूख उदर करता हूँ, मैं केस लड़ने चला जाता हूँ और हर सबूत रखा हुआ है, आवास का सबूत है, लोन का सबूत है, सब सबूत है भाई बहनों, आप सब आशीर्वाद से मेरा जल्दी काम होने वाला है। तो भाई बहनों मैं आप सबको बराबर मैं वीडियो नहीं दे पाता था, वीडियो मतलब है डेली वीडियो बना के मोबाइल डालो भाई बहनों, लेकिन हम एक गरीब आदमी है, बीच बीच में फरूख उदार करते हैं, बीच बीच में वीडियो बनाता हूँ, तो अतरे खोतरे आप मोबाइल पहुँचता रहता है भाई बहनों, यही मेरा सब कुछ, आप सबका आशीर्वाद से मेरा हल हो जाए भाई बहनों, हमारा जो लोन का पैसा लोग लूट के बैठे हैं, प्रधान ललित तिवारी कहें चाहे मैनेजर उमर संघ सतबीर, जो मेरा आवास है इसे लूट के बैठे हैं प्रधान लोग, भाई बहनों आप सबका आशीर्वाद से मेरा मिल जाएगा, खाली हो जाएगा तो केस वोस नहीं रहेगा भाई बहनों, मैं अच्छा अच्छा वीडियो बनाऊंगा आप सब मांगूंगा, अच्छा अच्छा वीडियो बना के आप सब मोबाइल पहुंचाऊंगा और गरीब की सेवा करूंगा भाई बहनों, मेरा यही शौक है, भगवान ने ज़िंदगी दिया है,
तो अपना ज़िंदगी अच्छा काम में लगाओ, हर गरीब सेवा करो, यहाँ से लेके हर शहर में सेवा करो, हर हिंदुस्तान में कोने कोने सेवा करो भाई बहनों। बस भाई बहन मैं इतना आप सब कहूँगा, कोई गलती का माफ़ करना भाई बहनों, कोई भी गलती के शुरू हमें माफ़ करना भाई बहनों। मैं जब तक रहूँगा मैं एक कसम खाता हूँ भाई बहनों कि मैं गरीब सेवा करूँगा, अपना ख्याल करूँगा, माँ बाप सेवा करूँगा, गरीब सेवा करूँगा, और जहाँ तक हिंदुस्तान कोने कोने में सेवा करूँगा। जिस दिन आप सब आशीर्वाद से मेरा यूट्यूब पर पैसे आने लगेगा, बस भाई बहनों मैं थोड़ा सा और रह गया है, आप सब ऐसे सहयोग बनाए, थोड़ा घंटा मेरा बाकी है और थोड़ा सब्सक्राइब रह गया है, घंटा मेरा बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा बाकी भाई बहनों। आप लोग आशीर्वाद से आने लगेगा, हर गरीब की मैं सेवा करूँगा, जिसका जो विधवा है, जो विकलांग है, जो किसी माँ बाप बेचारे गुजर गए हैं, किसी शादी नहीं हो रहा है, मैं हर सेवा करूँ, हर सेवा भाई बहन करूँगा, क्योंकि ज़िंदगी है, भगवान ज़िंदगी दिया है, कब 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 कौन रहेगा, कब कौन नहीं रहेगा, गरीब की सेवा करो। और पैसे तो बहुत आता जाता रहता है, सब कुछ यहीं पड़ा रहेगा भाई बहनों, अच्छा काम करोगे बहुत दूर दूर आपको नाम होगा। इसलिए मैं आप सबके सभी सौ करोड़ जनता के भाई बहनों में आशीर्वाद लेके नमस्ते करके हर चीज़ लेके निखारता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, और मैं सर कसम खाता हूँ कि हम अपना हिंदुस्तान की सेवा करेंगे, हर कोने में करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ यूट्यूब पर पैसे बहुत ज़्यादा आता है, फिल्म में पैसे बहुत ज़्यादा आता है भाई बहनों। मैं जिस दिन मैं सेवा करूँगा उस दिन आप सोचो कि हाँ जमपू नहीं रहूँ, कसम खाया था, अपना कसम निभा रहा है, मैं कसम खा कहता हूँ मैं जिस लायक रहूँगा हर गरीब सेवा करूँगा, हर जात में गरीब होते हैं। हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी बहुत कुछ देते हैं गाँव, लेकिन हमारे गाँव में कोई काम नहीं हो रहा भाई बहनों। और मैं आप सब विनती प्रार्थना करता हूँ कि सब सरकार हमारे जैसे एक जैसे है, कोई भी सरकार हो, कोई भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने, लेकिन हमारे लिए सब एक जैसे होता है भाई बहनों। मैं आप लोग प्रार्थना विनती नमस्ते करता हूँ कि सब भाई के हमारे हिंदुस्तान में सब भाई ज्ञान दे, चोरी छिनारा ना आए, हर गरीब की सेवा करें, सेवा करेंगे बहुत आशीष मिलेगी, बहुत पुण्य मिलेगी। और अगर घूस खाएंगे, दलाली करेंगे तो अपने लड़के बच्चे के ऊपर आता है, परिवार में आता है, वो डबल ट्रिपल हकते रहेंगे फिर भी विश्वास नहीं रहेगा, वो डबल ट्रिपल लगाते रहेंगे। अगर आप ईमानदारी खाओगे ना, अगर आप ईमानदारी खाओ लड़के, आप ईमानदारी खाओगे ना, आप लड़के बच्चे परेशान रहेंगे, कोई परेशान नहीं रहेगा, पूरा जनता भी खुश रहेगा, जहाँ जहाँ आप जाओगे तहाँ तहाँ दुनिया खुश रहेगी, और आप लोग बहुत आशीष मिलेगी भाई बहनों। सभी भाई बहनों मैं कहता हूँ कोई भी गलत काम मत करना, ईमानदारी से खाना, ईमानदारी से अपना कमाना, बाल बच्चे अपन पालना, अच्छे पढ़ाई लिखाई करना भाई बहनों। हम गरीब हैं, हम जानते हैं भाई बहनों, सब नहीं जानते हैं। बस मैं आप सब प्रार्थना नमस्ते विनती करता हूँ भाई बहनों, भाई बहनों मैं आप सब प्रार्थना विनती नमस्ते करता हूँ। मैं कोई नशा वशा करता नहीं हूँ, मैं गरीब सेवा करता हूँ, जहाँ तक रहूँगा आप सब सेवा करूँगा भाई बहनों। मैं आप सब आशीर्वाद पैर छू के प्रार्थना नमस्ते भी जाते जब भी निखारता हूँ आप सबको, मैं विनती प्रणाम नमस्ते करता हूँ। और आप भी मैं कर रहा हूँ जाते जाते कि कोई गलती का शुरू हो ये बालक को माफ़ करना भाई बहन, नमस्ते।